अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप ये वीडियो देखिए, बहुत प्यारी वीडियो, इस्लामिक वीडियो। बस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, और कुछ नहीं, बस इस्लामिक वीडियो है और इस्लामिक वीडियो शेयर करना सवाब है। तो बस सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी हो तो ये वीडियो देखिए। क्या आप जानते हैं कुरान में कितने तरीके की सूरतें हैं? अब आप सोचेंगे, मतलब ये तो सभी को पता है, 114 सूरतें हैं। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुरान में दो तरीके की सूरतें होती हैं। एक होती है मक्की सूरत और एक होती है मदनी सूरत। बहुत लोगों को लगता है कि मक्की सूरत वो होती है जो मक्का में नाजिल हुई है और मदनी सूरत वो होती है जो मदीना में नाजिल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मक्की सूरत मतलब अकीदाए तौहीद पता चलती है, अकीदाए रिसालत है और स्ट्रिक्टनेस, अल्लाह कैसे स्ट्रिक्ट है हम पर और हमको क्या हुक्म है और किस चीज का हुक्म है। मदनी सूरत मतलब शरीयत, नमाज कैसे पढ़ना, वजू कैसे करना, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या करना। क्या मर्द मेहंदी लगा सकते हैं कोई फंक्शन हो या अगरचे उसकी शादी हो? देखिए, मर्द के लिए हाथ पांव में मेहंदी लगाना नाजायज है। हमारे नबी की खिदमत में एक किन्नर पेश किया गया जिसने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी। हमारे नबी ने पूछा, इसने ऐसा क्यों किया है? बताया गया कि ये औरतों की नकल करता है। हमारे नबी ने उसको शहर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। देखिए, याद रखिएगा, किन्नर मर्द के हुक्म में है और इसके लिए तमाम वही शरई अहकाम हैं जो मर्द पर लागू होते हैं, लिहाजा मर्द के लिए जायज। बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? बैठकर नमाज पढ़ने पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज बैठकर पढ़ी जाती है खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में उसका सवाब आधा है, और जो नमाज लेटकर पढ़ी जाती है बैठकर पढ़ने के मुकाबले में उसका सवाब आधा है। चले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर एक इंसान खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो उसे 100 नेकियां मिलती हैं, और अगर बैठकर पढ़े तो उसे 50 नेकियां मिलेंगी, और अगर लेट कर पढ़े तो सिर्फ 25 नेकियां ही मिलेंगी। इसलिए तो जवानी की इबादत को इतना अफजल किया गया है, क्योंकि जवानी में इंसान खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है जबकि बुढ़ापे में इंसान बैठ कर पढ़ता है। तो सोच लीजिए, बैठ कर नमाज पढ़ी तो सवाब आधा ही मिलेगा। नमाज सबको खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत। तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस बात का इल्म नहीं है। बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? बैठकर नमाज पढ़ने पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज बैठकर पढ़ी जाती है खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले